हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिफ्यूजन प्रेशर, उसके बाद डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। ये सब पादपों के जलीय संबंध से संबंधित है। डिफ्यूजन देखो, हम जानते हैं कि चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, कोई भी सेल हो, सभी सेल्स में एक चीज कॉमन है और वो है H2O। ये सबसे बड़ा सॉल्वेंट विलायक है। जब इस जल के अंदर, अब सेल के अंदर हम बात करें तो जल है, और जल में ही हर चीज, हर पदार्थ जिसको सेल लेना चाहती है, जिसे सेल की आवश्यकता है, वो सब H2O के अंदर घुलकर ही आता है, डायरेक्ट नहीं आता। अब इसमें अगर हम देखें कि कुछ आयन्स होते हैं, आयन्स के लिए सेल कभी भी परमिएबल नहीं है। दूसरा, बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोस, उसके लिए भी कभी भी परमिएबल नहीं है। देखो, बात यह है कि यह है सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर है सब पदार्थ, और ये प्लांट सेल वॉल है। अब सेल वॉल तो अगर देखा जाए तो एक निर्जीव पदार्थ है, तो ये सेलुलोज, पेक्टिन और हेमी सेलुलोज से बनी है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है उसे जीवित या लिविंग माना जाता है। तो ये बाहर का एनवायरनमेंट है, ये सेल को पानी की या जल की आवश्यकता हमेशा रहेगी। वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो वेरी 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 नेसेसरी फॉर देयर बायोकेमिकल, फिजियोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड अदर रिएक्शंस के, सभी प्रकार की रिएक्शन के लिए जरूरी होता है जल। ठीक है, और जल इसको मिलता है इसके बाहरी एनवायरनमेंट से। ऐसा नहीं कि भाई ये डायरेक्ट बारिश से ले रहा है या कहीं से ले रहा है। ये हमको पता है कि भाई जल जो है वो पादप हमेशा वाटर मॉलिक्यूल को प्राप्त करता है मृदा, सॉइल वाटर से या मृदा से। इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से पौधे के अंदर जल पहुंचता है, नीचे से यानी कि जड़ों से पौधे के टॉप तक जल को ले जाने का काम करते हैं जाइलम, और किस प्रकार से जल जो है वो नीचे से इनकी जमीन के काफी नीचे से और पादप के टॉप तक, इनकी वृक्ष बहुत सारे, मतलब कई वृक्ष जैसे यूकेलिप्टस रिगेंस, इस दुनिया का सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप है, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, या फिर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो सिकोइया सेमी परविरेंस सबसे लंबा, सबसे ऊंचा पादप है। तो इन पादपों में यानी वृक्षों में किस प्रकार से जल पहुंचता है, तो ये सब हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे एक एक करके। तो आज हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। पर तो बात ये है कि जब सेल के अंदर अपने आप, यानी कि जब सेल में जल की कमी होती है, अब देखो गैसेस, वाटर मॉलिक्यूल्स, गैसेस, वाटर मॉलिक्यूल्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये जैसे गैसों में CO2 है, ऑक्सीजन है, ये देखो अपने आप ही इन से, इनके बाहरी एनवायरमेंट से सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम शुगर के घोल में हम किसी
किशमिश को डालते हैं, ये समझ लीजिए। तो सुगर का घोल है, ये समझो कि ये 20% का ही घोल है, 20% का ही सॉल्यूशन है। और जो किशमिश है इसमें पानी की या जल की जो मात्रा है वो बिल्कुल नगण्य है, जीरो समझो, जीरो समझो, लेकिन बहुत ही कम है, इसकी तुलना में बहुत कम है। यहाँ पर 80% जल है, H2O है, और यहाँ पर समझो कि लगभग 5% H2O है। तो सीधी सी बात है कि जल की मात्रा यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर जल की मात्रा कम है, ठीक। तो हमको पता है कि सुगर के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी नॉर्मल वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल सुगर के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। इसके लिए फिर कैसे डिफ्यूजन होगा? तो देखो कुल मिलाकर की बात है कि यहाँ पर H2O की मात्रा कम है, यहाँ H2O की मात्रा ज्यादा है, इसलिए सीधी सी बात है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ऑटोमेटिक होगा, कोई बैरियर नहीं होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि हमेशा ये सुगर है, सुगर का सॉल्यूशन है, यहाँ पर किशमिश है, हमेशा H2O के मॉलिक्यूल ही जाएंगे, सुगर के मॉलिक्यूल कभी नहीं जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें से सुगर यहां पर शिफ्ट हो जाए और इतनी सुगर शिफ्ट हो जाए कि इसमें और इसमें दोनों तरफ जल की सांद्रताएं बराबर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा शिफ्ट जल कोई होगा ना, कोई चीज ट्रांसफर होगी तो वो होगा H2O, ये आसानी से जाएगा। विसरण, विसरण होगा, सिंपली विसरण, डिफ्यूजन होगा पानी का सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि यहां एक तरफ जल की सांद्रता ज्यादा है, सॉरी जल की मात्रा ज्यादा है और एक तरफ जल की मात्रा कम है, तो इसलिए यहां से यहां जल का विसरण होगा। तो विसरण की परिभाषा निकल कर आती है कि जल का, वैसे तो हम किसी पदार्थ को ले सकते हैं, चाहे आप किसी अगरबत्ती की बात कर लीजिए या आप किसी क्रिस्टल को जल में घोलने पर ले लीजिए या आप सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन ले लीजिए। तो कुल मिलाकर के किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मुक्त प्रवाह विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, मुक्त प्रवाह होगा यहां, कोई भी किसी चीज के माध्यम से नहीं होगा, अपने आप जाएंगे। यानी कि जैसे यहां पर जल है और यहां जल की कमी है, तो मॉलिक्यूल जो जल के हैं वो अपने आप ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर तक जाएंगे, क्योंकि तो यहां पर सांद्रता कम है, यहां सांद्रता ज्यादा है, इसको हम कहते हैं विसरण। विसरण एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब मुक्त, सॉरी निष्क्रिय अभिगमन है, और दुनिया में जितने भी निष्क्रिय अभिगमन होते हैं वो विदाउट एनर्जी होते हैं, और हमेशा इनमें एक ही चीज की समानता होती है, और वो होता है कि ये हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, हमेशा ये हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो डिफ्यूजन विसरण, अब अगर हम देखें तो विसरण जो है, जैसे मान लो किसी पदार्थ का विसरण हो रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं हम, कि जैसे ये समझ लो कि मेरे पास एक बीकर है, ये बीकर है या फिलहाल ये बीकर ही है, और ये इसके यहाँ पर ये चौंच में मसूत बना दी इस तरह से, ये बीकर है, ठीक है, ये बीकर है, इस बीकर में यहाँ पर ये H2O बना हुआ है। अब मैंने इसमें एक टुकड़ा डाला है CuSO4 5H2O नीले धोते का, नीला धोता मैंने इसमें एक टुकड़ा डाल दिया, मतलब यहाँ पर एक क्रिस्टल में डाल दिया, ये आ गया। अब धीरे धीरे ये क्रिस्टल घुलने लगेगा, ये H2O है, इस H2O की ये सॉल्वेंट है, विलायक है, ये सॉल्यूट है या विलेय है जो इसके अंदर घुलेगा, तो ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट दोनों मिलकर के इस जगह पर सॉल्यूशन बनाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन ऐसे नहीं बनेगा। ये टुकड़ा यहां पर गिरा हुआ है, ये टुकड़ा धीरे धीरे गलेगा, तो इसमें से आप धीरे धीरे जो CuSO4 के अणु है ना, ये धीरे धीरे गमन करेंगे,
अब यहाँ पर सांद्रता ज्यादा है, यहाँ सांद्रता कम है, तो सीधी सी बात है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की उद्भवन करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा देखने पर ये पूरा की पूरा जो सॉल्यूशन है ये नीला हो जाएगा, इसलिए नीला ठोटा। तो दिस इज डिफ्यूजन, ठीक है, दिस इज क्या है डिफ्यूजन। अब ये अगर देखा जाए इसका एग्जांपल और है, इससे मान लो आपके कहीं भी किसी भी रूम में या किसी जगह पर कोई सेंट की बोतल या सेंट खोलते हैं तो आपको पता है धीरे धीरे वो पूरे रूम में फैल जाता है और दूर तक उसकी जो सुगंध है वो पहुंच जाती है और पता चल जाता है भाई यहाँ पर सेंट है। तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है विश्रुण का। दूसरी भाई उष्मा जो विश्रण जो है वो उष्मा गति के दूसरे नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो पदार्थ के अणुओं की गति उनकी उच्च मुक्त ऊर्जा क्षेत्र से उच्च, ये बात ध्यान रखना भाई, उच्च मुक्त ऊर्जा क्षेत्र से निम्न मुक्त ऊर्जा क्षेत्र की ओर होती है। इसका जो परिवहन है या जो विसरण है वो हमेशा उच्च मुक्त ऊर्जा क्षेत्र से निम्न मुक्त ऊर्जा क्षेत्र की ओर गमन होता है, यानी कि इसका विसरण होता है। ये ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम के अनुसार हमको पता चलता है। अच्छा एक चीज है, पदार्थ की जो मुक्त ऊर्जा है, मुक्त ऊर्जा क्या है ये देखिए, ये मुक्त ऊर्जा वाट इज फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, एनर्जी क्या है? तो देखो फ्री एनर्जी की जो परिभाषा वो है कि अणुओं की गति की दर तथा इकाई क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या, अणुओं की गति की दर तथा इकाई क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या, अणुओं की गति की दर तथा इकाई क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या जो है वो मुक्त ऊर्जा होती है। क्या होती है ये मुक्त ऊर्जा, यानी कि पदार्थ के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, अणुओं की गति की दर तथा इकाई क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या के बराबर होता है। इसे हम केमिकल पोटेंशियल या रासायनिक विभव भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रासायनिक विभव अणुओं की गति की दर तथा इकाई क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या के बराबर होती है मुक्त ऊर्जा, और इसी को हम कहते हैं रासायनिक विभव। तो जब उच्च मुक्त ऊर्जा होती है अर्थात अणुओं की गति तेज होगी, दूसरा किसी भी इकाई क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या अधिक होगी तभी तो मुक्त फ्लो होगा। अगर मान लीजिए अणुओं की संख्या कम है, गति भी कम है, तो मुक्त फ्लो नहीं होगा। एक बार सोचिए जरा, यहां ये है CuSO4, इस जगह पर इसके अणु ज्यादा हैं, ठीक है, और जब अणुओं की संख्या ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि इन अणुओं की बिखरने की संख्या भी ज्यादा होगी, यानी कि अर्थात इन अणुओं की गति भी जो दर है वो भी ज्यादा होगी। जब यहां पर गति की दर ज्यादा है, अणु की संख्या ज्यादा है, तो अपने आप ये अणु जो है वो यहां से निकल करके ऊपर की तरफ गमन करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, इसी को हम कहते हैं विसरण। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि यहां पर विसरण दाब ज्यादा है, विषम दाब ज्यादा है, इसकी वजह से अणुओं को यह दाब फेंक रहा है, चलो यहां से भागो, यहां रुकने नहीं दे रहा है इसको, और उस जगह तक भेज रहा है जहां तक इसकी सांद्रता बराबर ना हो जाए, तब तक होता रहेगा ये और ये, यानी कि इस जगह की सांद्रता और यहां की सांद्रता में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तब तक ये विषम होता रहता है। किसके द्वारा? विषम दाब के द्वारा।
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विसरण दाब जो डिफ्यूजन प्रेशर है ये सांद्रता के समानुपाती होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कि जब अणु विस्तृत होते हैं तो उनके द्वारा एक दाब उत्पन्न होता है और वो दाब सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात अधिक सांद्रता अधिक विसरण दाब, कम सांद्रता कम विसरण दाब। यहां पर अधिक सांद्रता थी तो अधिक विसरण दाब हुआ, इससे ये अणु इधर से इधर चले गए। तो ये था विसरण और विसरण दाब।